नमस्कार दोस्तों, मैं माही राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नए व्लॉग में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ द्वारका और आप सभी को द्वारका नगरी लेके चलेंगे, भगवान श्री कृष्ण की नगरी आप लोगों को दिखाएंगे। तो व्लॉग के अंदर बने रहिएगा, बहुत सारे व्लॉग अच्छे अच्छे आप लोगों को व्लॉग मिलेंगे, बहुत कुछ वहाँ की चीज़ें देखेंगे जानेंगे। तो अब देखेंगे तो मैं खुद रेडी हो चुकी हूँ और हमारे घर से लगभग 850 किलोमीटर पड़ता है, मतलब पूरे 15 घंटे का रास्ता है, मतलब पूरे एक दिन जाने वाले हैं, तो लंबा सफ़र है। तो ब्लॉग के अंदर बने रहिएगा, सफ़र भी हम इंजॉय करेंगे और वहाँ का बहुत सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ATM से पैसे लेंगे, फिर रवाना होंगे हम द्वारका के लिए। हमें फ़िलहाल में 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं और वापी से, तो वापी से शाम के 4 बजे की हमारी ट्रेन है, फिर राजकोट उतरेंगे सुबह 3 बजे, फिर राजकोट से हमें ट्रेन चेंज करनी द्वारका के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है, ब्लॉग के अंदर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलते हैं हम लोग, हो चुकी है, ATM भी ले ली हूँ, अब चलते हैं हम ATM पैसा लेते हैं। तो ATM से पैसा ले ली हूँ, अब जा रही हूँ स्टेशन पे। ATM से पैसा ले ली हूँ, जा रही हूँ स्टेशन पे। रास्ते में ब्लॉग बना रही हूँ तो लोग देखते हैं, तो थोड़ा मुझे भी शर्म आती है, लेकिन क्या करें, हार्ड वर्क तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आप लोग देख सकते हैं मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और ये जिस ट्रेन में बैठी हूँ इसको मेमो कहते हैं और ये उमरगाम से 2:10 को खुलती है और 1:07 तक जाती है, लेकिन मैं उतर जाऊँगी वापी, फिर वापस मैं 4 बजे की ट्रेन पकड़ के राजकोट के लिए निकलूँगी। वापी में पहुँच गई हूँ, तो यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे राजकोट के लिए, 4 बजे की ट्रेन है यहाँ से हमारी। ट्रेन आ चुकी है, इसी ट्रेन के अंदर बैठ के मैं राजकोट जाऊंगी, फिर वहाँ से द्वारका। राजकोट स्टेशन पे पहुँच गई हूँ और पीछे का आप लोग व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर स्टेशन है, बहुत ज़बरदस्त। और ये जो ट्रेन है इसी ट्रेन से उतरी, काफ़ी सुंदर दिख रहा है स्टेशन। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो राजकोट स्टेशन लिखा हुआ है, पूरा आप लोग को दिखा देते हैं। ये हमारी ट्रेन, तो ब्लॉग के अंदर आप लोग बने रहिए क्योंकि अभी हम लोग राजकोट स्टेशन पर उतर गए हैं। यहाँ से उतरने के बाद हम लोग बस डिपो पे जाएंगे, फिर वहाँ से हैं राजकोट स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं और स्टेशन के ऊपर आपको एक इंजन दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा है अंधेरे की वजह से। तो सुबह सुबह ही 4 बज रहे हैं, अभी राजकोट स्टेशन में पहुँच गए हैं और यहाँ से हम बस पकड़ के द्वारका जाएंगे। तो अभी हम बस डिपो पे जा रहे हैं, लगभग स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर बस डिपो है, तो डिपो से द्वारका के लिए हम पकड़ेंगे। और सुबह का समय है इसलिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये है राजकोट का बस डिपो, वेलकम टू राजकोट बस पोर्ट। ऐसा लग रहा है कि ये डिपो नहीं, ये एयरपोर्ट है। बस में हम लोग बैठ गए हैं द्वारका के लिए, आप लोग देख सकते हैं।
है और आप देख सकते हैं 360 रुपया है द्वारका का दो लोगों का। और तो बने रहे आप लोग ब्लॉग के अंदर, द्वारका पहुँच के बहुत कुछ चीज़ में एक्सप्लोर करूँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। बस जो है यहाँ पे रुकी है, तो यहाँ पे ही हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से निकलूँगी। बहुत सुंदर यहाँ का होटल है और होटल का नाम भी द्वारकाधीश है। तो बस हमारे सामने रुकी है। मैं द्वारका पहुँच गई हूँ और अभी मैं द्वारका बस स्टेशन पर हूँ। आप पीछे का व्यू देख के समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब खुश हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश में हूँ। और एक मतलब एक सपना भी था कि चार धाम घूमना है, तो उसमें से पहला धाम मेरा यहाँ का है। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो आगे आप लोग को द्वारका मतलब आगे का मार्केट आप लोग को थोड़ा दिखा देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, लगभग मेरा दो दिन यहाँ पे रुकना ठहरना है, तो दो दिन में बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कवर करनी है। तो आप लोग को छोटी छोटी जानकारियाँ मैं दूंगी, एपिसोड वाइज आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पे एंड करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी बन जाएगा। और फिलहाल मैं द्वारका हम जाएँगे, फिर वहाँ पर गोमती घाट है तो वहाँ पर नहाएँगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे पहुँच के एक नया ब्लॉग शूट करेंगे। तो ब्लॉग के अंदर आप लोग बने रहिएगा और आने वाले सारे वीडियोस देखते रहिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए सभी लोगों को हर हर महादेव।